झारखंड के चक्रधरपुर के बड़ा बांबू रेलवे स्टेशन के पास मंगलवार तड़के भीषण रेल हादसा हो गया, जिसमें अभी तक दो शख्स की मौत की जानकारी सामने आई है। वहीं 20 लोगों के घायल होने की बात बताई जा रही है। हादसे के कारणों को लेकर बताया जा रहा है कि जहां ये रेल हादसा हुआ है वहां पहले से एक मालगाड़ी डिरेल हुई थी, जिसके डिब्बे पटरी पर ही थे। इस बीच पीछे से आ रही हावड़ा मुंबई मेल की मालगाड़ी के डिब्बों के साथ टक्कर हो गई, जिसके चलते कई पैसेंजर कोच भी पटरी से उतर गए। हादसे की सूचना मिलने के बाद आनन फानन में अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि मंगलवार की सुबह 3:45 पर यह हादसा हुआ है। पटना से एसडीआरएफ की टीम हादसे वाली जगह के लिए रवाना हुई। झारखंड के चक्रधरपुर में हावड़ा से मुंबई जा रही 1280 हावड़ा CSMT मेल के कई डिब्बे पटरी से उतर गई है। बचाव कार्य के लिए पटना से एसडीआरएफ की टीम रवाना हो गई। बता दें कि बीते सोमवार को दरभंगा से नई दिल्ली जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति भी दो हिस्सों में बट गई। समस्तीपुर मुजफ्फरनगर रेलखंड के करपुरी ग्राम और खुदीराम बोस पूसा रेलवे स्टेशन के बीच रेपुरा रेल गुमती के निकट बिहार संपर्क क्रांति ट्रेन इंजन से अलग होकर दो पार्ट में बट गई। करीब 100 मीटर तक इंजन आगे चला गया और सारे कोच पीछे रह गए। इसके बाद किसी तरह ट्रेन के बाकी बोगी और इंजन को कंट्रोल किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक ट्रेन के इंजन और बोगी को जोड़ने वाली कंप्लेन टूट जाने के कारण ये घटना हुई। ट्रेन के दो भाग में बचने की खबर से रेलवे महकमे में हड़कंप मच गया। रेलवे के कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसके बाद ट्रेन के खामी को दुरुस्त कर पुणे 11:24 पूर्वाह्न में ट्रेन को दिल्ली के लिए रवाना किया गया। इस हादसे में किसी भी तरह की नुकसान नहीं हुई। हादसा जिस क्षेत्र में हुआ है वह क्षेत्र सोनपुर रेल मंडल के अंतर्गत आता है। बीते महीने की बात की जाए तो दिन ब दिन रेल हादसों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक कुल रेल हादसों को मिला दिया जाए तो पिछले महीने से लेकर अब तक रेल हादसों में 21 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं विपक्ष रेल हादसों को लेकर कड़ा रुख इख्तियार किया है। लगातार हो रहे रेल हादसों को लेकर विपक्ष ने रेल मंत्री से इस्तीफा मांगा है। अब ऐसे में सवाल उठता है, इन हो रहे रेल हादसों का जिम्मेदार कौन है? क्या रेल मंत्रालय अपनी नाकामियों को छुपाने में लगी है? अगर ऐसा नहीं है तो इतने रेल हादसे क्यों हो रहे हैं? क्या मंत्रालय एक रील अपलोड करके अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेगी कि आए रोज हो रहे रेल हादसों पर आत्मचिंतन करके दोषियों पर कार्रवाई करेगी?